तो ये देखिए दिन में हो गई थी बारिश सारे में गिला गिला है बहुत ही मोटी मोटी बारिश लगी हुई थी गुड आफ्टरनून एवरी वन जय सिया राम जी राधे कृष्णा जी सबको कैसे हैं आप सब लोग तो आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से होंगे हम भी ठीक हैं आज फाइनली काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है दिन में बड़ी जोर की बारिश आई और क्यों ना हो बारिश भाई आज हमारे कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे जो है तो हमारे मतलब ऐसी है ना कहावत कि जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो चाहे थोड़ी ही हो लेकिन बारिश जो है ना वो जरूर होती है तो बारिश हुई दिन में और मैं गई हुई थी सोलन सोलन से आई घर और हम ना सड़क से भीगते हुए आए नीचे को बारिश में मैं नैना साधक हम तीनों और बस सोलन वैसे ही थोड़ा सा काम था उस उससे गई थी और उसके बाद घर में आई और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए सो गए मतलब बच्चों को ना थोड़ी देर के लिए सुला दिया मैंने नहीं तो बच्चे ना इधर उधर दौड़ते रहते हैं अभी शाम का टाइम है शाम के पाँच बज चुके हैं और चाय बनाती हूँ और शाम की तैयारी करती हूँ खाने की और आज है मेरा है व्रत तो आज मैंने कृष्ण भगवान जी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा हुआ है और बाकी वैसे हमारे घर में और किसी का व्रत नहीं है तो फलाहार बनेगा और बाकी घर वालों के लिए परिवार वालों के लिए खाना बनेगा वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी करनी है तो चलिए चलते हैं हम किचन के अंदर और मेरी तरफ़ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ठेर सारी शुभकामनाएं सोचा तो मैंने एक और चीज़ दी है नैना बोलती मामा हम सब के बर्थडे पे ना केक बनाते हैं अपने घर में तो आज हम भगवान के जन्मदिन पे भी केक बनाएंगे तो मैं उसको बोली थी कि हाँ हम बनाएंगे तो सोचा तो है टाइम लग जाएगा मैं बनाऊँगी जरूर छोटा सा ही बनाऊँगी चाहे तो चलिए अभी फ़िलहाल बाकी का काम देखते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे शाम का टाइम है अभी चाय का टाइम और मैंने यहाँ पे कुछ साबूदाने के जो पापड़ है ना ये तल लिए हैं ये वाले पापड़ ना मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ तो ये वाले बिल्कुल दाने दाने दार होते हैं देखने में तो थोड़े अजीब से लगते हैं लेकिन खाने में ना काफ़ी अच्छे बनते हैं ये भी क्रिस्पी होते हैं और जो मैं घर में बनाती हूँ ना मैं पूरा पीस देती हूँ उसको मिक्सी में ना साबूदाने को तो वो पीस जाता है पूरा उसमें पता नहीं चलता कि ये साबूदाने के पापड़ है या किसी और चीज़ के जब खाते हैं ना तभी पता चलता है और इसको तल दिया मैंने यहाँ पे रख लिया तो मैं बच्चों को भी दूंगी एक एक क्योंकि बच्चों को भी होता है ना आ, बच्चों को काफ़ी पसंद है ये मैं बना के रखती हूँ लेकिन अभी क्या है कि मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा था इसे पीछे बारिशें हो रही थी तो इसके लिए अच्छी सी धूप चाहिए तभी ये बनते हैं अच्छे से मतलब अच्छे से सूखते हैं नहीं तो इसमें फिर वो फफोन सी लग जाती है तो अच्छे नहीं लगते वैसे भी तो अभी सोचा है मैंने कि अच्छी सी धूप लगेगी तो बनाऊंगी मैं पापड़ क्योंकि लग ही जाते हैं ये तो बीच में ना कभी व्रत होता है तो काम में आ जाते हैं और ये बाजार में तो बहुत महंगे मिलते हैं ये थे Uh, सत्तर रुपए के ढाई सौ ग्राम तो सत्तर रुपए का अगर साबुदाना लाएंगे ना तो कितने सारे पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे लेकिन फिर आ, अब अर्जेंसी थी तो मैं थोड़े से ले आई मैं क्या व्रत के लिए हो जाएंगे तो अभी मैं भी खाऊंगी चाय के साथ एक दो और पहले शाम के लिए रख दूंगी मैं कुछ ना निकाल कर तो एक साथ ही तल लिए मैंने सारे के सारे रात के फलाहार के लिए भी मैं रख लूँगी और कुछ अभी खाएंगे बच्चों को देंगे और इन पापड़ों को बनाते टाइम ना ये घी जो है बहुत ज़्यादा पी जाते हैं घी तेल जो भी आप डाल लें इनको तलने के लिए ना इसमें जो ये इसके दाने हैं ना इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा चला जाता है अंदर को तो कितना भी आड़ा तिरछा करके इसको निकालना चाहे वो निकलता नहीं है इसमें काफ़ी चला जाता है अंदर तक घी जब खाते हैं ना तो थोड़ा मुँह में भी घी घिसा आता है और वैसे कभी कभी खाने के लिए अच्छे हैं ये डेली खाना हो ना तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब घी की मात्रा चली जाती है जो बिल्कुल पीस कर बनाते हैं ना वो उसमें इतना घी नहीं आता है जो ये दानेदार होते हैं इसी में ये घी आता है और व्रत तो मैं जरूर लेती हूँ मेरा मन करता है बहुत ज़्यादा व्रत लेने का लेकिन आ, मैं ना बहुत मतलब भूखी नहीं रह सकती तो मैं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाती रहती हूँ दिन भर में फलहार जैसे सुबह थोड़ा सा नाश्ते के टाइम में फिर दिन में थोड़ा सा फिर चाय के टाइम में थोड़ा सा जैसे एक दो पापड़ खा लूँगी तो क्योंकि दिन भर हमने काम करना होता है हार्ड वर्क होता है तो एनर्जी की ज़रूरत तो होती ही है वैसे पुराने टाइम में ऐसे बोलते हैं कि भगवान की भक्ति में भूख नहीं लगती तो मैं पहले ही बोल देती हूँ भगवान को कि भगवान दिन भर में मैं छुटपुट कुछ खाती रहूँगी तो राधे कृष्णा जी सबको अभी है शाम का टाइम और मैंने अभी तैयारी जो है वो कुछ करी नहीं है क्योंकि हम बारह बजे रात को ही फलह खाते हैं और अभी पता क्या है अभी मुझे बनाना है फलाहार तो मैं बनाऊंगी मीठा और नमकीन दोनों हमारे जो बनता है ना ट्रेडिशनली वही बनाऊंगी बाकी नहीं बनाऊंगी और भी कुछ और बाकी सबके लिए मैंने आलू बड़ी की सब्जी जो है वो बना ली है अभी मुझे उनके लिए चपातियाँ बनानी है और उससे पहले मैं बनाऊंगी जो बाथू होता है ना चुलाई उसका जो है ना उसका हलवा या उसकी खीर बनती है ये देखो धैर्य मैं इनको बोल रही हूँ ना कि टीवी बंद कर दो टीवी बंद कर दो टीवी बंद नहीं कर रहे ये देखो ये क्या हम क्या टी टीवी बंद नहीं कर रहे आदा। मैं बोल रही हूँ टीवी बंद करो और थोड़ी देर के लिए ना भगवान का नाम लो भजन कीर्तन करो तभी तो पता चलेगा ना कि कृष्ण जन्माष्टमी है तो भगवान का नाम लो लेकिन धैर्य जो है ना ये बिल्कुल नहीं सुन रहा और अभी पूजा वगैरह हम सब कुछ करेंगे देखती हूँ कितना कैप्चर कर पाऊंगी क्योंकि ना अच्छा चलो तो घर में आज व्रत सिर्फ मेरा ही है बाकी किसी का नहीं है बाकी सब है वो खा रहे हैं तो चलिए मैं पहले नैना को पानी दे लेती हूँ उसके बाद बनाते हैं चलाई का हलवा और ये देखिए ये है बाथू तो आज के दिन ना हमारे इसका फलाहार बनाया जाता है ये ना खिले बनी हुई हैं इसकी ऑलरेडी ये मैं सोलन से लेकर आई हूँ तो इसकी ना खिले बनी हुई हैं और ये उबल चुका है इसमें हमने ये डालना है चलिए इसको साफ करने की जरूरत नहीं होती इसमें सारा साफ होता ही है ये भुना हुआ ना और बहुत ज्यादा डर चुका है शायद इसको हम ऐसे करेंगे मिक्स देखिए बस इसमें बाथी और कुछ भी नहीं डलता है ये ऐसे ही बनता है इसको ऐसे पकने देंगे और हमारा जो बाथू का भोग है वो बन के तैयार हो जाएगा फिलहाल इसको दूध के साथ भी बना सकते हैं खीर की तरह पर हमारे यहाँ पे गुड़ वाला बनाते हैं आज और यहाँ पे मैंने बनने लगाए हुए हैं जीरा आलू तो चार पांच आलू जो हैं वो काट लिए थे और उनको और हाँ एक वो मुझे कमेंट आया था पहले भी कि आप व्रत वाले आलू में हल्दी कैसे डालते हैं हल्दी तो नहीं डालते और तो मैं बता दूँ कि हमारे तो बचपन से लेके हमने ऐसा ही देखा है व्रत वाले आलू में हल्दी डालते हैं हमारे यहाँ पे Uh, सिर्फ़ लहसुन प्याज नहीं डालेंगे और जीरा लगा के धनिया मेथी इसका तड़का लगाते हैं तो ये देखिए कुछ केले हैं कुछ सेब हैं यहाँ पे काट के रखे हुए और बाथू भी बन चुका है आलू भी बन चुके हैं अभी टाइम था मेरे पास और मैंने ना स्पॉन जो है वो बना के रख लिया था लेकिन आज पता क्या हुआ मैं एक साथ कई काम कर रही थी ना तो थोड़ा सा स्पॉन जो है वो जल गया था लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया जो जला हुआ साइड कर दिया और छोटा सा बच्चों के लिए हो जाएगा यहाँ पे तो मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच फ्लेवर का केक और इसमें डाल रही हूँ साथ में टूटी फ्रूटी जो है ना वो डाल रही हूँ अंदर फिलिंग के लिए बहुत अच्छी लगती है ये भी कभी ट्राई कीजिएगा आप ऐसे ही खाने के लिए तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है मेरे बच्चे तो ऐसे ही खा जाते हैं इसको और केक में भी ना ये बहुत अच्छी लगती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यहाँ पे बच्चों का मन रखने के लिए मैंने चलो कोई बात नहीं आज हम कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ है तो आज इसमें भी हम केक बनाएंगे और काट के मतलब भगवान ने थोड़े ही खाना है ये खाना तो बच्चों ने होता है लेकिन एक होता है ना शौक कि आज भगवान जी का बर्थडे है तो आज उनके लिए भी केक बनेगा तो हमने यहाँ पर ये यह केक बनाया था फिर हमने भगवान को ये दिखाया भी था मेरा मतलब लगाया था और काटा तो खुद ही था भाई बाद में ना वो वाली वीडियो जो है वो शायद कल शेयर होगी फिलहाल अभी बनाने का देख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कलर यूज नहीं किए सिर्फ येलो सा कलर आया इसका थोड़ा सा तो बटर स्कॉच इमल्शन डाला क्रीम में और जो छोटे वाली होती है ना ओपन स्टार नोजल ओपन स्टार नोजल उसी से मैं यहाँ पे देखिए रोजेस जो हैं वो बना रही हूँ चुटकू सा केक बनेगा ये बन गया था मेरे ख्याल से शायद तीन साढ़े तीन सौ ग्राम का बन गया था मिनी केक बोलते हैं ना जिसको तो हाँ अगर कोई मिनी केक भी बनाना चाहता है तो मिनी केक भी मैं बनाती हूँ और मतलब इतना ही छोटा होता है वो ढाई सौ तीन सौ ग्राम का होता है ढाई दा, सौ ग्राम का तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं बड़े सुंदर से लगते हैं ना देखने में छोटे से क्यूटी पाई से तो दो तीन मैं बना चुकी हूँ अभी तो अब मेरा ऐसा हो रहा है कि हाँ लेकिन इसके लिए दिक्कत ये है कि फिर बेस और बॉक्स मिलना मुश्किल हो जाता है सोलन में ना हमारे यहाँ पे नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे हाफ के जी का वन के जी का ही मिलता है तो इसके लिए फिर ये है कि हाफ़ के जी वाले में ही चलेगा ये भी और अगर कोई लोग बनाना चाहते हैं तो ऑर्डर दे सकते हैं बनाने के लिए इसका भी मैं <laughs> बोलती रहती हूँ वीडियो में हमेशा अगर कोई देना चाहते हैं मतलब घर का बना हुआ फ्रेश केक अगर खाना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरी मर्जी थी क्योंकि केक घर के लिए था तो जब तक क्रीम ख़त्म नहीं हुई मुझे ये था कि जितनी क्रीम मैंने बीट करी है सारी की सारी लगा दूंगी इसमें तो बस जब तक ये क्रीम ख़त्म नहीं हुई ना तब तक मैं लगी हुई थी इसमें अभी एक वाला ये कम्प्लीट कर लिया था तो अगर बनाने के लिए होता ना तो मैं सिंपली इतना ही करती और उसके बाद कुछ और करती इसमें ना लेकिन क्योंकि आपको पहले ही बता चुकी हूँ केक घर के लिए था तो घर में तो अपनी मर्जी है मतलब और फिर मैं ये सोच थी इतनी सी क्रीम बचा के करूँगी भी क्या यहाँ पे देखिए जय श्री कृष्णा लिखा है आपको दिखा देती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ऐसे दिखा रही हूँ सच में हमने भगवान जी के लिए ये केक बनाया था कृष्ण भगवान जी के लिए तो मैंने जय श्री कृष्णा लिखा और यहाँ पर मैं कुछ इन बोलते हैं ना <laughs> कुछ ना कुछ नया कर रही थी आज मैंने मैं कलर कॉम्बिनेशन बना रही थी न्यूट्रल जेल लिया उसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर डाला आ, मेरा मतलब है पाइन इमल्शन डाला और साथ ही में ब्लू कलर डाल दिया एक ड्रॉप लेकिन वो ब्लू कलर इतना ज़्यादा ब्लू हो गया कि ये बिल्कुल डार्क ग्रीन बन गया मुझे चाहिए था थोड़ा लाइट सा ग्रीन <laughs> लेकिन ये इतना डार्क हो गया था तो so, जो कि मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था लेकिन हमेशा की तरह केक का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा था तो बस यहाँ पे छोटू सा कृष्ण भगवान जी के लिए केक बना के रेडी कर लिया था और उसके बाद बज चुके थे बारह जितने में ये काम हुआ तो मैंने भगवान जी को धूप दिया और उस टाइम बच्चे वगैरह सभी सो चुके थे तो हमारे बाहर देवता जो है ना चंदा मामा को देखकर धूप देते हैं और उसके बाद हम प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं मतलब ये प्रसाद यहाँ पे देखिए पहले भगवान को दिखाया भगवान को लगाया उसके बाद ही यहाँ पे खा रहे हैं तो मीठे में है साबु आ, साबुदाने की नहीं सॉरी बाथू की खीर हलवा जो भी इसको बोले और छोटी सी ये सात्विक थाली है मेरी तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलूंगी एक और नई वीडियो में जय श्री कृष्णा